इस बार सावन का महीना बड़ा ही खास रहने वाला है, क्योंकि सावन की शुरुआत सोमवार के दिन तथा सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी। इस बार पूरे 29 दिनों तक शिव भक्त महादेव की आराधना कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक ने लोकल 18 को बताया कि इस बार सावन में नक्षत्र कई अद्भुत संयोग बना रहा है, जो सावन को बेहद खास और शुभ बनाने वाला है। यह संयोग लगभग 72 वर्ष बाद बन रहा है। इस संयोग में अगर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आइए जानते हैं ज्योतिष आचार्य से। आगामी मास श्रावण मास आने वाला है। देवाधिदेव महादेव की भक्ति करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह मास जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही भगवान भोलेनाथ की यदि हम भक्ति करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संसार का ऐसा कोई सा सुख नहीं है जो भगवान शंकर की पूजन करने से हमको प्राप्त नहीं हो सकता। उनका नाम ही भोलेनाथ है तो सहज रूप में प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार श्रावण का महीना निश्चित ही कुछ अद्भुत संयोग लेकर के आ रहा है। ज्योतिषी दृष्टि से भी कई उत्तम संयोग लेकर के आ रहा है। पहला तो सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और सोमवार के दिन ही श्रावण मास का समापन हो रहा है। दूसरा, इस महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, ये भी अद्भुत योग है। और 29 दिन का यह श्रावण का महीना है। पंचांग के अनुसार 72 साल बाद कुछ ज्योतिषी संयोग बनने जा रहे हैं, उनकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। पहला श्रावण सोमवार 22 जुलाई के दिन हो रहा है। इस दिन श्रवण नक्षत्र में सिद्धि योग, रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। इस प्रकार के उत्तम योगों में श्रावण का मास प्रारंभ होने जा रहा है। और श्रावण का जो अंतिम सोमवार है, जो 5वां सोमवार है, वह 19 अगस्त के दिन पड़ने जा रहा है। उस दिन भी श्रवण नक्षत्र में सिद्धि योग है। तो यह श्रावण श्रवण नक्षत्र और सिद्धि योग में प्रारंभ हो रहा है और श्रवण नक्षत्र सिद्धि योग में ही इसका समापन होगा। तो ऐसा योग 72 वर्ष बाद बन रहा है कि एक ही नक्षत्र और एक ही योग में श्रावण प्रारंभ हो रहा है और उसका समापन हो रहा है। इसके साथ ही सिद्धि योग तो है ही, आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है। श्रावण मास में हमको भगवान भोलेनाथ की भक्ति करना चाहिए। संभव हो सके तो पूरे एक महीने तक मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग ना बना सकें तो नर्मदेश्वर जो शिवलिंग रहता है उसका पूजन करें, या स्फटिक के शिवलिंग का हमको पूजन करना चाहिए। विधिवत दूध, दही, शहद, शक्कर, इत्र, गुलाब जल, अष्टगंध इत्यादि से भगवान को पृथक पृथक स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनका रुद्र पाठ के द्वारा किसी ब्राह्मण के संयोग से अभिषेक करें। फिर भगवान को फूल माला, दूबा, बिलपत्र, अकाव, धतूरा, शमी पत्र, भांग इत्यादि भगवान को समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत भगवान का पूजन करने के बाद भगवान की जो विभिन्न स्तुतियां कही गई हैं, लिंगाष्टक है, रुद्राष्टक है, शिव तांडव कहा गया है, शिवाष्टक कहा गया है, इन स्तुतियों से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जप और जो महामंत्र कहा गया है ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का यदि हम श्रावण के महीने में जप करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे।